चना का सब्जी बनाने के लिए हमने चना को लेकर के 6-7 घंटा पानी में भिगो करके रख दिए थे। 2 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियाँ, उसे हम इस तरह से बीच बीच में काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ का प्याज, उसे हम इस तरह से लंबा लंबा पीस में काट लिए हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटा चम्मच बेसन, 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल, नमक, मसाला में 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर गर्म हो चुका है। इसमें हम तेल को डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा को डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा, अब इसमें हम प्याज को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम को अभी हम लो कर देते हैं। प्याज के साथ ही हरी मिर्च और लहसुन को भी डाल देते हैं। और प्याज को हल्का भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भुनना है। प्याज हल्का भुना गया है, अब इसमें हम सभी मसाला को डाल देते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर। और इसके साथ ही इसमें हम बेसन को भी डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें हम चना को डाल देते हैं, साथ में स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी लगभग 1.5 गिलास इसमें हम डाल दिए हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन को लगा करके 1 सीटी तेज आंच पे और 4-5 सीटी धीमी आंच पे इसे हम आने देते हैं। 1 सीटी तेज आंच पे और 4-5 सीटी धीमी आंच पे आने के बाद गैस को हम ऑफ कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। चना का सब्जी बनकर तैयार है, चना भी अच्छी तरह से गल चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चना की सब्जी को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।